Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu. जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ थूटो ऑक्सीडेंटालिस की ड्रग पिक्चर पर पार्ट वन, जिसमें हमने बात की थी मेंटल जेनरल्स एंड फिजिकल जेनरल्स के बारे में. आज हम बात करेंगे पार्ट टू ऑफ दिस सीरीज, जहाँ ड्रग पिक्चर ऑफ थूटो ऑक्सीडेंटालिस में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं फ्रॉम हेड टू टो, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी डोसेज और क्लिनिकल केसेस जहां आप थूजो ऑक्सीडेंटालिस को यूज कर सकते हैं. सो लेट्स गेट गोइंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट. चलिए हम बात करते हैं पर्टिकुलर्स के बारे में. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड से शुरू करेंगे. अगर हम थूजो ऑक्सीडेंटालिस में हेड का बहुत ही इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हेडेक्स एंड न्यूरालजियाज के लिए, टेरिबल हेडेक्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है थूजो ऑक्सीडेंटालिस में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेडेक की सेंसेशन कैसी है. हेडेक में होता है इस तरह का, जैसे कि कोई सर में आपके कील घुस आ रहा है. ये कॉफिया और इग्नेशिया में भी आपको देखने मिलता है, और थूजा इज अनदर ड्रग जिसमें आपको एक कील घुस रहा है जैसे सर में, उस तरह का सेंसेशन पेशेंट आपको बताएंगे कि जिस सर में कोई कील घुस आ रहा है ऐसा सेंसेशन फील होता है. अगेन अनदर, जब चक्कर आते हैं, चक्कर आने पर पेशेंट को कब चक्कर आ रहे हैं, आंखें बंद करने पर सबसे ज्यादा चक्कर आते हैं. इसमें और दो मेडिसिन होती हैं जैसे लैकेसिस थिरिडियन थूजा, LTT, यू कैन लर्न इट लाइक दिस. तो लैकेसिस थिरिडियन थूजा, ये तीन मेडिसिन हैं जिनमें चक्कर आते हैं, आंखें बंद करने पर ज्यादा वर्स हो जाते हैं, चक्कर आना और ज्यादा होने लगता है. हेडेक और न्यूरालजियाज के लिए, जैसे मैंने कहा था ये मेडिसिन बहुत अच्छी है. न्यूरालजिया मतलब कि बहुत सारा पेशेंट होता है ना, एक एक नस ऐसे लगता है कि शार्प शूटिंग खिंच रही है, सर की एक एक नस ऐसे खिंच रही है, एक वायर की तरह खिंच रही है, उस तरह के न्यूरालजियाज में बहुत अच्छा काम करती है. लेफ्ट साइडेड, लेफ्ट टेम्पल पे सबसे ज्यादा, बिकॉज लेफ्ट साइडेड एफिनिटी है, तो लेफ्ट साइडेड टेम्पल पे सबसे ज्यादा पेन होना, लेफ्ट साइड ऑफ हेड में हेमिक्रेनिया होना. और इसके अलावा बिगेस्ट थूजा इज ऑफ अ साइकोटिक माइजम. तो आप कैसे याद रखेंगे, स्कैल्प पर जाएंगे, स्कैल्प में देयर इज लॉट ऑफ डैंड्रफ. डैंड्रफ बहुत ज्यादा होगा, वाइट स्केली डैंड्रफ होगा, बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, आपके बाल बिल्कुल रफ रहने लगेंगे और काफी सारे बाल झड़ने लगते हैं इन दिस केस. तो साइकोटिक माइजम होने की वजह से हाइपरट्रोफी है, सेल्स जो है बहुत मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सेसेस है, तो डैंड्रफ इज वन ऑफ द केस. तो डैंड्रफ में भी दिया जाता है थूजा को, और ये बहुत अच्छा काम करती है. आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑन डैंड्रफ, जिसमें डैंड्रफ से रिलेटेड थेरेप्यूटिक्स मैंने आपसे शेयर किए थे, उसमें मैंने थूजा का भी रोल बताया था. एंड डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल आई एम श्योर. नेक्स्ट हम बात करेंगे हेड के बाद, हम बात करेंगे आईज के बारे में. जस्ट मूव ऑन टू द आईज. आईज में अब याद रखना है हमें आईज, नोज, माउथ. जब हम बात करेंगे तो साइकोटिक सिफिलिटिक दोनों माइजम का कुछ कुछ टिंज आपको देखने मिलेगा. फॉर एन एग्जाम्पल आईज में बात करेंगे तो थूजा में आईज जो है चिपकी रहती है, आईज रात को ऐसे एग्लूटिनेट हो जाती है, चिपक जाती है, कुछ कुछ जो है सब्सटेंसेज एकदम आंखों को ऐसे चिपका देते हैं. एज यू कैन सी, आई प्लेस अ पिक्चर राधा, जिसे आप देखकर पता चल सके कि मॉर्निंग के समय पे आंखें ऐसे चिपकी हुई होती है पेशेंट की. ऑफ्थाल्मिया नियोनेटोरम के केसेस, जो बच्चे जिनमें ऑफ्थाल्मिया नियोनेटोरम, जैसे न्यू बॉर्न्स है, उनको आई रिलेटेड जो ट्रबल होते हैं वो, उनमें थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है. अगेन पस जैसा यहाँ पे निकलने लगते हैं, एक्सेसिस डिस्चार्जेस, ज्यादा डिस्चार्जेस हो रहे हैं, इट्स साइकोसिस. लेकिन पस डिस्चार्ज हो रहा है, दैट्स सिफिलिटिक माइजम. तो यहाँ पे दोनों टिंज देखने मिला, बहुत ज्यादा छोटे 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 ग्रोथ्स आपको आई के ऊपर ग्रोथ मिलेगा. कंजंक्टिवाइटिस में भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन स्टाई, टार्सल ट्यूमर, इस तरह के केसेस जहाँ पर आपकी आईलिड्स के आसपास या इनर कॉर्नर पर जो है आपकी ग्रोथ्स हो रहे हैं, आउटग्रोथ्स अगेन शो साइकोटिक माइजम. तो आउटग्रोथ्स हो रहे हैं, देयर आर लिटिल ग्रैनुलेशंस, ऐसे छोटे छोटे बारीक दाने या फिर एक स्टाई, एक सिस्ट वो देखने मिलता है. सो टार्सल ट्यूमर के केसेस में आपको देखने मिलती है, टार्सल ट्यूमर या स्टाई कहूँ, स्टाई में हम स्टाफ के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अगर स्टाफ भी दी और वो भी अच्छा इंप्रूवमेंट नई पेशेंट में शो कर रही है, तो थूजा उस केस में देनी बनती है, इट वर्क वंडर्स. ईयर्स पे बात करें तो ईयर में बहुत लंबे समय से चलने वाला थूजा इज बेसिकली इज नॉट अ ड्रग जो आप ऐसा नहीं कि एक्यूट में यूज नहीं करेंगे, बट थूजा हमेशा दिमाग में आती है पॉलीक्रिस्ट होने की वजह से, जब क्रॉनिक कंप्लेन्स होती है और आप काफी सारी मेडिसिन दे चुके होते हैं और वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती, तो थूजा तब सोचनी बनती है. थूजा बहुत अच्छा काम करती है क्रॉनिक एलिमेंट्स में.
तो अक्यूट अगर ईयर पेन है तब तो बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है, कानों में दर्द है, बहुत क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन है, कानों में पस जैसा हो रहा है, कानों में अगर कोई ग्रोथ है, साइकोटिक मायसम, कानों में पस बह रहा है, सिफिलिटिक टेंच, तो ये दोनों ही चीजें देखने मिलती है। नोज की अगर हम बात करें, नोज पर आए तो अल्सरेशन, सबसे पहली चीज एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा, हाइपर थिक म्यूकस, गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज, नाक से निकलना, ब्लड निकलना या फिर पस निकलना, तो ये आपको इस तरह से याद रहेगा। मायसम को बेस बनाकर अगर हम चलेंगे, अल्सरेशन नॉस्ट्रल्स में, नाक में छोटे छोटे अल्सर्स होने लगते हैं और वो सिफिलिटिक टेंट जो है अपना शो करता है। माउथ की बात करें तो माउथ में पायरिया के केसेस में थूजा बहुत अच्छा काम करती है, पायरिया एल्वियोलारिस, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। आपके टूथ अगर डिके हो जाते हैं रूट से, क्राउन है ना ऊपर का जो दांत है, बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जड़े जो है वो उसमें कीड़ा लग गया है, उसमें कैविटी लग गई है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं। सो रूट्स टिके हो गए हैं एंड जो क्राउन है, टॉप है, वो बिल्कुल ठीक है। ये मिजेरियम में भी होता है। आपके दांत जो है वो पीले हो रहे हैं, वो ब्लैकिश हो रहे हैं, क्रम्बल कर रहे हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस, रैन्युलाइ केस होता है, जहाँ पे वैरिकोस वेन्स हो जाता है टंग का, माउथ का वैरिकोस वेन्स। साइकोटिक मायसम में वेनोसिटीज दिखती हैं, स्टैग्नेशन ब्लड का दिखता है। जो साइकोटिक मायसम है उसमें आपको मिलेगी वेनोसिटी, जहाँ पे ब्लड जो है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो वैरिकोस वेन्स जो है लेग्स में बहुत बार देखने मिलते हैं, लेकिन वैरिकोस वेन्स अगर टंग में है, अगर माउथ में है, उसे हम रैन्युला कहते हैं। और रैन्युला के केसेस में थूजा एंड आई थिंक एम्ब्राग्रीसिया, यस एम्ब्राग्रीसिया इज अनदर मेडिसिन अलॉन्ग विथ थूजा, जो रैन्युला के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। पायरिया में जैसे मैंने आपको बताया थूजा बहुत अच्छा काम करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेड, आईज, ईयर, नोज एंड माउथ। नाउ वी मूव ऑन टू द जीआई ट्रैक। जैसे कि जीआई ट्रैक में मैं आपसे पहले पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू चेक दैट आउट फर्स्ट, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ फाउंडेशन टू द पार्ट टू। पार्ट टू इज सीरीज एंड अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ पार्ट वन। सो इन द पार्ट वन आई ट्राई टू टेल यू अबाउट mental generals and the physical general and the basics of thuja. So that's the introduction part. So I request you all to go and check out that part one first and then move on to the part two. So as I told you in the physical generals of part one, ki thuja mein constipation, diarrhea dono cheeze create kar sakta hai. Constipation kis tarah ka hota hai, itna zyada pain hota hai, स्टूल पास करने में इतना पेन होता है एनस रीजन में, एनस में फिशर्स हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, इतना पेन होता है कि स्टूल बाहर निकलता है और पेन की वजह से फिर वो ऊपर चला जाता है। इसके लिए साइलिशिया इज वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जिसमें स्टूल कम्स आउट एंड देन इट रिसीड्स बैक अगेन। ये चीज थूजा में भी होती है। कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक डायरिया है, ऑनियन खाने से किसी को प्रॉब्लम होती है, बहुत लंबे समय से डायरिया, फैट फूड, वैक्सीनेशन के बाद किसी को होने लगा है ना, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन में थूजा बहुत अच्छा काम करती है। सारे अगर बैड इफेक्ट्स हैं, वैसे हर एक तरह के वैक्सीनेशन के भी अलग मेडिसिन होता है। जैसे आपने एक वैक्सीनेशन दिलाया किसी एक डिजीज का, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक अलग होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। मैं इस पर भी एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी, तो वो उसकी अलग होती है। लेकिन अगर बैड इफेक्ट्स इन जनरल आपको वैक्सीनेशन से आ रहे हैं तो थूजा बहुत अच्छा काम करती है। सो अगर वैक्सीनेशन के बाद से डायरिया रह रहा है, फैट फूड के बाद, ऑनियन के बाद, क्रॉनिकली डायरिया है, एलो जैसा सिम्टम है, एलो पर मैं एक ड्रग पिक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, आई गिव यू ऑल द नेसेसरी लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एलो पर जो, एलो में क्या होता है कि जैसे गैस पास होने लगती है, उसके साथ ही ऐसा लगता है कि स्टूल विल ऑल्सो पास आउट, तो एक फियर सा रहता है। बिल्कुल थूजा में ऐसा ही सेम सिम्टम है, लेकिन क्रॉनिक अगर चल रही है कोई चीज तो थूजा ज्यादा अच्छा काम करेगी एलो से बेहतर। कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैंने आपको बताया। देन साइकोटिक मायसम में वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप वॉर्ड्स को, आउटग्रोथ्स को, एक्सक्रीसेंसेस, एक्सक्रीसेंसेस आर बेसिकली जो आउटग्रोथ्स होते हैं स्किन के ऊपर, जो ग्रोथ्स निकलने लगते हैं वो उनको एक्सक्रीसेंसेस कहते हैं। तो वो जो ग्रोथ्स हो रहे हैं, वॉर्ड्स हो रहे हैं, आउटग्रोथ्स हो रहे हैं एनल रीजन पे, चाहे वो प्राइवेट पार्ट हो, वहां पर हो, एनल रीजन पर हो, तो उन ग्रोथ्स में थूजा बहुत अच्छा काम करती है। पाइल्स में थूजा, जहां आपको एक्सटर्नल पाइल मिल रहा है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ है बाहर, मांस का टुकड़ा बाहर की तरफ है, तो थूजा बहुत अच्छा काम करती है। अब्डोमेन में अगर हम बात करें जीआई ट्रैक की, और अब्डोमेन का इस सेंसेशन को हम मिस करते हैं तो फिर हम बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। थूजा में, जैसे मैंने मेंटल जनरल्स में भी बताया था, देयर इज अ स्ट्रेंज सेंसेशन
कि पेट में जैसे कोई लाइव एनिमल है या फिर कोई बेबी है, तो ये सेंसेशन एब्डोमेन में भी यू कैन राइट इट डाउन, एब्डोमेन में भी स्पेसिफिकली आप इस सिम्टम को मेंशन कर सकते हैं. देन वी मूव ऑन टू मेल्स. मेल्स जो सफर किए हैं कभी भी पास्ट में गोनोरिया से, उनको सफर किया है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट उन्होंने कराया, जो भी ट्रीटमेंट कराया उसके एक फ्यू ईयर्स बाद आपको रूमेटिज्म जॉइंट प्रॉब्लम्स होने लगे हैं, तो इसमें थूजा बहुत अच्छा काम करती है. सो गोनोरियल रूमेटिज्म काइंड ऑफ जो सिचुएशंस होती है वहां पर थूजा इज एन एक्सेलेंट रेमेडी. फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में एक्सेसेस अगेन साइकोटिक मैजम तो ल्यूकोरिया है. ल्यूकोरिया भी कैसा, बहुत ज्यादा थिक प्रोफ्यूज एंड उसमें भी स्मेल है काफी ज्यादा. वॉट अगर प्राइवेट पार्ट पे वॉट्स हो रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स में मस्से निकल रहे हैं, तो थूजा से एक्सेलेंट मेडिसिन कोई नहीं हो सकती. लेफ्ट अगेन लेफ्ट साइडेड डेफिनेटी है, तो अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखें तो फीमेल में लेफ्ट साइड जो ओवरी होती है, लेफ्ट साइडेड ओवेरियन रीजन पेन, ओवरी के पार्ट पे पेन, लेफ्ट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में पेन रहना, लेफ्ट साइड की ओवरी का ओवराइटिस इन्फ्लामेशन डेवलप करना, तो इन सब केसेस में देखिए मायसम और साइड डेफिनिटी पता चलने से ही हमें कितने सारे सिम्टम्स याद हो जाएंगे. तो वॉर्ड्स हैं, एक्सक्रेसेंसेस है पेरिनियम पे, एनल रीजन पे, लेफ्ट साइडेड इनगुइनल रीजन या लेफ्ट साइडेड ओवेरियन जो है ओवराइटिस है, लेफ्ट साइडेड ओवेरियन सिस्ट में ये बहुत अच्छा काम करेगी थूजा. प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया जो कि थिक है, ग्रीनिश है, स्मेली है. इसके बाद वी रन टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. हाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक के बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर सिम्टम नहीं, लेकिन एक सिम्टम बहुत ही मार्वलिस है जो कि बच्चों में, इन्फेंट्स में एस्थमा, चिल्ड्रन में एस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है उसमें नैट्रम सल्फ दिया जाता है. क्रॉनिकली अगर नैट्रम सल्फ से भी बेटर नहीं हो रहे तो थूजा इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर एस्थमा इन चिल्ड्रन. लैरिंग्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे, लैरिंग्स है आपका, थ्रोट है, ये सब चीज़ें, वॉइस बॉक्स है, ट्रैकिया है, इस जगह पर अगर इन्फ्लेमेशन है या फिर लैरिंग्स का कोई पैपिलोमा, पैपिलोमा अगेन अ काइंड ऑफ ग्रोथ, तो अगर आउटग्रोथ है लैरिंग्स की तो वो लैरिंग्स की आउटग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करेगी थूजा, क्योंकि साइकोटिक मायसम है. एक्सट्रीमिटीज की अगर हम बात करें, एक्सट्रीमिटीज दैट मीन्स हाथ और पैर. हाथों पैरों में जब भी वॉक करते हैं, तो मैंने मेंटल जनरल्स में भी बताया था कि जब भी वॉक करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है उनके पैर जो है लकड़ी के बने और वो टूट जाएंगे, तो इस तरह का सेंसेशन, अ काइंड ऑफ हैवीनेस उनको, हैवीनेस एंड अ स्टिफनेस, एकदम जैसे लकड़ की तरह स्टिफ, सो लकड़ी की तरह स्टिफ रहने वाली ऐसा ऐसा लगेगा लिम्स हैं, तो उस केस में थूजा, दिस सेंसेशन इज नॉट फाउंड इन एनी अदर ड्रग इन दिस पर्टिकुलर वेटेज. ग्लास के या फिर वुड के बने हैं और टूट जाएंगे. जॉइंट्स में क्रैक, कट 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 का साउंड आना, आपके हील्स में पेन रहना, बहुत लंबे समय से आपके हील्स में पेन हो रहा है, टेंडो आर्किलीज, आई प्लेस अ पिक्चर ओवर हियर, जो आपके बैक ऑफ हील से ऊपर की तरफ एक टेंडन जाता है, इसे हम आर्किलीज टेंडन कहते हैं, सो उसका टेंडनाइटिस, उस टेंडन का इन्फ्लेमेशन होने से वहाँ पेन होना, बैक ऑफ द हील पे आपको पेन होना, सो आर्किलीज टेंडन में पेन, टेंडो आर्किलीज. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है विच इज इन ग्रोइंग टो नेल्स. मैंने आपसे कहा था कि फ्रॉम द हेयर टू द टो या टो के नाखून तक इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, तो इन ग्रोइंग टो नेल्स, जो टो के नेल्स है वो एक तो साइकोटिक मायसम में नेल्स जो होते हैं ना, अगर आपने मेरे मायसम पे वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा नेल्स जो है वो पिक्यूलियर तरह के हो जाते हैं. साइकोटिक मायसम में ग्रोथ जो है ना बहुत मोटे मोटे नाखून हो जाते हैं और इनग्रो करने लगते हैं, अंदर की तरफ घूमने लगते हैं, वो मोटे मोटे और थिक नेल्स हो जाते हैं. दिस इज देन लास्ट, यस लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्किन, एंड स्किन इज फुल ऑफ सिम्टम्स. पॉलिप हो स्किन पर, ट्यूबरकल हो स्किन पर, फ्रेकल्स हो फेस पर, छोटे 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 कैसे ब्लैक 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 ब्राउन स्पॉट होते हैं ना चाय पत्ती जैसे छोटे छोटे स्पॉट, फ्रेकल्स हो, वॉट्स हो रहे हैं, एपिथीलियोमा हो रहा है, नेवाए है, पॉस्फॉर्म ग्रोथ है जैसे कार्बंकल है, पश्चूल है, अगर कोई अल्सर भी हो रहा है अल्सर में डेंगू, ग्लैंड्स एनलार्ज हो रहे हैं आपके स्किन पे, लाइपोमास की ग्रोथ होती है जिसमें बेसिकली और भी ड्रग्स काम करते हैं बट कहीं ना कहीं ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट होने की वजह, ग्लैंड्स नहीं है वो फैट उसके अंदर डिपोजिटेड होता है, टू एन एक्सटेंट थूजा कई बार हेल्प करती है पर सभी केसेस में नहीं, पर अगर टिपिकली कोई ग्लैंड है जो एनलार्ज हो रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करती है.
very sensitive to touch, like very sensitive to touch skin. Agar, yes, another very important symptom, agar haathon par brown color ke spots kisi ke milte hain, hands par and arms par, arms par, hand par, this is arm and this is the hand, yahan par aapko brown spots kisi ki body par mile. ये एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप आई सॉ अ केस जिसमें ये स्पॉट्स मिले थे और वो पेशेंट आया ही इन स्पॉट्स को दिखाने के लिए था. एट दैट टाइम आई डिड नॉट न्यू दैट थूजा इज द मेडिसिन फॉर दैट, बट वो जो केस था लेटर ऑन किसी और डॉक्टर ने देखा और उन्होंने उन्हें थूजा प्रिस्क्राइब किया. और उसके बाद मैंने थूजा को जब फिर से थरली पढ़ा, देन आई कम टू रियलाइज कि इस सिम्टम को मैं इग्नोर कर रही थी. बट येस, यू डू गेट द पेशेंट्स लाइक दिस. तो इस सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि ब्राउन अगर स्पॉट्स मिल रहे हैं आर्म में एंड हैंड्स में तो थूजा इज वंडरफुल मेडिसिन फॉर दैट. मोडालिटीज की बात करें, एट द एंड किस चीज से वर्स होता है, 3 बजे रात को, 3 बजे सुबह थूजा का एग्रेवेशन पीरियड है. उसके बाद अगर मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, कॉन्टेंट बहुत ज्यादा, हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन तो वाटर मॉइस्चर है, उससे उसको प्रॉब्लम होती है. बेटर किससे होगा, बेटर होगा ड्राई, बिल्कुल कंप्लीट ड्राई वेदर से. और लेफ्ट साइडेड एफिनिटी होने के बाद भी वो लेफ्ट साइड ही बेटर महसूस करते हैं. सो लेफ्ट साइडेड सफरिंग है बट लेफ्ट साइड पर ही उन्हें बेटर फील होता है. ब्रेकफास्ट लेने के बाद वर्स हो रहे हैं, फैट के बाद वर्स हो रहे हैं, वैक्सीनेशन के बाद वर्स हो रही है प्रॉब्लम, ऑनिंग के बाद वर्स हो रही है प्रॉब्लम. सो दीज आर ऑल द वर्सनिंग थिंग्स जिससे कि थूजा का केस वर्स होता है और उन्हें एग्रवेशन होती है. डोसेज की जहाँ हम बात करें, डोसेज अगर लोकली हमें वॉर्ट्स और एक्सक्रीसेंसेस ग्रोथ्स हैं उन पर लगाना है तो लोकली मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है. इंटरनली अगर आप देना चाहते हैं, इंटरनली 30 से 200 से हायर पोटेंसीज सभी बहुत मार्वेलस है. मतलब आई हैव गिवन इट इन थूजा 30, लाइक आई हैव गिव इट इन 30 पोटेंसी, आई गेव इट इन 200 C, आई गेव इट इन 1 M, आई गेव इट इन 10 M, आई इवन गेव इट इन CM, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है. I told you earlier in the dandruff video that for the dandruff, Thuja CM 1 dose is enough to resolve the case. तो CM potency भी बहुत अच्छा काम करती है. So ये सारी potencies बहुत अच्छा काम करती है, from the mother tincture to the highest potencies like LM. So with this, I'm finishing with the drug picture of Thuja Occidentalis and I hope you all like it, you enjoy this video, and if you do, then please don't forget to give a like and subscribe my channel. Press the bell icon right next to the subscribe button and stay tuned, stay connected with Homeopathy. I'll be back with another very interesting video for you all. Thank you so much.